देखिए वोटिंग शुरू हो गई है, एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो बीजेपी को उसमें भी बढ़त मिली, एनडीए को बढ़त मिली, और अभी जब रुझान सामने आ चुके हैं तो देखिए रुझानों में भी बीजेपी फिलहाल आगे बताई जा रही है। कैसे देख रहे हैं आज के दिन को? देखिए निश्चित रूप से एक बड़ा दिन है। लगातार यदि हम बात करें तो देखिए पूरे देश के अंदर इस प्रकार से पिछले 7-8 दिनों से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी, चुनावी गर्मी के साथ साथ प्राकृतिक गर्मी भी बहुत तेज पड़ रही थी। लेकिन आज देखिए आज सुबह से मौसम जो है वो थोड़ा सा सुहावना टाइप का है, हवाएं चल रही है, कुछ इसी प्रकार की स्थितियां यहाँ भी देखने को मिल रही है। एग्जिट पोल आने के बाद निश्चित रूप से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी जो है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन अब एग्जिट पोल के बाद एग्जिट पोल का स्थिति है यहाँ पर और काउंटिंग जो है वो चालू होने वाली है, तो उसमें भी जो रुझान आ रहे हैं उसमें भी जो एग्जिट पोल थे उसके हिसाब से रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं निश्चित रूप से आज का दिन बहुत बड़ा है, मुझे लगता है सबसे बड़ा दिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वो चाह रही है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को आप देश में प्रधानमंत्री के रूप में देखें, और उसका वो सपना 400 पार की जो लगातार बात कर रहे थे वो 400 पार के आसपास जो नजर आ रहे हैं, जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जाती है वैसे चीजें क्लियर होती आएगी। लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे बता रहे थे उसमें 360-380 के आसपास जो है वो सीटें बताई जा रही थी, तो वो उसके आसपास नजर आ रहे हैं। तो ये जो पूरा आज का दिन है निश्चित रूप से बहुत बड़ा दिन है और एक सुहावना दिन जिसको कह सकते हैं मौसम के हिसाब से सुहावना है, क्योंकि लगातार पड़ रही गर्मी के बाद एक थोड़ी राहत भी आम जनता को प्राथमिक रूप से मिलती है, और उसके साथ साथ जो पिछले लगातार 7 चरणों के चुनाव पूरे देश के अंदर में हुए हैं चुनाव की जो गर्मी थी उससे भी कुछ राहत मिलती नजर आएगी जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल मनीष जी, जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि देखिए उत्सुकता सभी राजनीतिक दलों में देखी जा रही है और बीजेपी की तो उत्सुकता इतनी है कि एग्जिट पोल के जब आंकड़े सामने आए तो उसी को अब सच मानकर बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो चल रहे हैं। और देखिए लड्डुओं का ऑर्डर भी दे दिया गया है, जश्न की पूरी तैयारी नतीजे सामने आने से पहले ही कर ली गई है। ठीक है राकेश प्रजापति जी, आज एग्जिट पोल जिस तरह से सामने आए क्योंकि बीजेपी को उसमें बढ़त मिलती हुई नजर आई, एनडीए को लगभग 371 से ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आई, आज जब मतगणना हो रही है क्या लग रहा है, क्या वो आंकड़ा छू जाएगा, क्या उससे ज्यादा सीटें बीजेपी के हाथ लगेंगी? राकेश प्रजापति जी आवाज मेरी पहुंच पा रही है आप तक? राकेश जी अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रश्न दोहराइए आप अपना। जी मेरा सवाल यह है, एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आई, आज चूंकि मतगणना हो रही है शुरू हो चुकी है, रुझान भी जब सामने आ रहे हैं तो बीजेपी ही आगे दिख रही है, क्या आंकड़ा पार कर लेगी 400 पार का, 371 का जो एनडीए को आंकड़ा एग्जिट पोल में मिला है, क्या वही नतीजों में भी तब्दील होता हुआ नजर आएगा? देखिए इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, आपके सभी पैनलिस्ट को भी मेरा प्रणाम। देखिए आज का दिन जैसा कि मैंने मनीष जी ने कहा कि आज का जो दिन है वह लोकतंत्र के लिए और राजनीतिक दलों और साथ साथ आप लिए भी बड़ी उत्सुकता का विषय है कि यहाँ पर क्या कहते हैं आज लगभग 1.5 महीने की 2 महीने की लगभग प्रक्रिया है लोकतंत्र का कि धड़कने तेज हुई है, सभी लोगों ने कहा कि इस चुनाव के अंदर क्या परिणाम आने वाले हैं, इंडिया वो पर तो तीसरी बार मोदी जी और साथ साथ रिजल्ट आए थे वो एग्जिट पोल को भी लेकर चलिए राकेश जी आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, मैं दोबारा आपके पास लौटती हूँ। फिलहाल मेरे साथ अजय गोहिल जुड़े हुए हैं, संवाददाता रायसेन से मेरे साथ जुड़े हैं ये। अजय क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास, क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है, रुझानों में अब तक जैसा मैं देख सकती हूँ बीजेपी 7 पर आगे चल रही है, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये वो नजारा आपको दिखाना चाहूंगा, आप
सकते हैं यहाँ पर ये पत्रकारों का एक दल जो है समूह जो अंदर जा रहा है, आप देख सकते हैं ये वो मतगणना स्थल है जहाँ पर पूरी तरह से मतगणना चल रही है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा विदिशा रायसेन लोकसभा की बात करते हैं तो यहाँ रायसेन की 3 विधानसभाएं लगती हैं, सांची, भोजपुर और सिलवानी विधानसभा। वही अगर बरेली उदयपुरा विधानसभा की बात करते हैं तो ये बरेली उदयपुरा जो विधानसभा है ये होशंगाबाद नरापुर नर्मदापुरम लोकसभा में लगती है। तो चारों विधानसभा की लगभग 1232 जो मंदिर मतदान केंद्र बनाए गए थे उनकी गिनती यहाँ पर सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। लेकिन चूंकि रायसेन का जो विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र का जो सीट का आरओ जो है वो रायसेन है, इस कारण जो विजयी प्रत्याशी होगा उसको प्रमाण पत्र भी यहीं से दिया जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आरओ सेंटर होने के कारण पूरे जो 8 विधानसभा है उसके जो डाक मत पत्र है वो यहाँ पर उसकी पूरी गिनती यहाँ पर हो चुकी है। स्ट्रॉन्ग रूम की बात करते हैं अगर तो जनप्रतिनिधि और उनके जिम्मेदारों की ये सामने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम खोले गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये मीडिया सेंटर बनाया गया है यहाँ पर और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो आपको आगे दिखाते चले। ये जिला प्रशासन की यहाँ पर मीडिया की कवरेज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर एक डिस्प्ले पर यहाँ पर जो मतगणना अंदर होगी उसको यहाँ पर जो काउंटिंग के बाद जो यहाँ पर ये स्क्रीन लगाई गई है यहाँ पर ये टेबलें लगी हुई ये इनके माध्यम से यहाँ पर पहले मीडिया कर्मियों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम तो आप देख सकते हैं ये वो मीडिया सेंटर है जिसके बाद ये मीडिया सेंटर यहाँ से पूरी लोकेशन यहाँ से जारी करेंगे। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं यहाँ पर रायसेन विदिशा संसदीय सीट की बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ से पूरी तरह से यहाँ पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा यहाँ पर वो भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आप ये देख सकते हैं कि बड़ी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज को भी यहाँ पर देखा जा रहा है। ये बड़ी बात है यहाँ पर कि मीडिया सेंटर में भी इंडिया न्यूज को यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर देखा जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये कांग्रेस का मुकाबला यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि जो 8 विधानसभाएं जो विदिशा रायसेन लोकसभा में लगती हैं अगर उनकी बात करते हैं यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सीट रही है गढ़ रहा है। लेकिन अगर बात करते तो अभी चूंकि मतों की गिनती का काम अब शुरू हुआ है सबसे पहले डाक मत पत्र खोले गए हैं और निश्चित रूप से यह तय माना जा रहा है कि 12-1 बजे तक रुझान आना शुरू हो जाएंगे और रुझान के 12-1 बजे तक इसकी तस्वीर जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि कृपया यहाँ पर जो है एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो बरेली उदयपुरा जो विधानसभा है अंशिका वो बरेली उदयपुरा विधानसभा की जो है वो नर्मदापुरम सीट में आती है। तो निश्चित रूप से एक बार कह सकते हैं कि जो लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं जो लोकसभा चुनाव 2024 का जो महाकुंभ था उसके 7 चरणों में जो मतदान हुए उसकी आहुति का आज दिन आ गया है और परिणाम एक कुछ घंटों बाद आज हमारे सामने होंगे और जिसमें ये तय हो जाएगा कि अब देश में किसकी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और उनको लग रहा है कि हम 350 और 400 सीट के पार पहुंचेंगे। लेकिन कांग्रेस की जो एनडी गठबंधन है वो भी कह रहा है कि हम यहाँ पर इस बार सरकार बना रहे हैं। नतीजा खैर कुछ भी हो कुछ घंटों में तय हो जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं तो 4 व्यवस्थाओं के बीच में रायसेन में भी मतगणना का काम शुरू हो गया। कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहला रुझान मिलने की आने की तब उम्मीद बता जाताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो पूरे 8 विधानसभाओं के जो डाक मत पत्र की बात करते हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं उसकी गिनती यहाँ पर शुरू कर दी गई है। चलिए ठीक है अजय, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, मेरे साथ बने रहिएगा। और आगे मेरे साथ सचिंद्र मिश्रा जुड़ गए हैं सीधी से, उनका भी रुख कर लेते हैं। सचिंद्र, क्या फिलहाल अपडेट मिल पा रही है? सचिंद्र, आवाज आपकी नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कीजिएगा। चलिए सचिंद्र, मैं फिर से आपका रुक करूंगी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं राकेश जी के पास फिर लौटती हूँ। राकेश जी, मैं चाहूंगी आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल लेती हूँ। राकेश जी अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, कुछ सिग्नल सब प्रॉब्लम है जी। जियो दंदनादन है। सभी दर्शकों को मेरा, इंडियन न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, पैनलिस्टों को प्रणाम।
जैसा कि मनीष जी ने बीच अपने बोल रहा था कि जैसा आज का जो दिन है वो लोकतंत्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, सभी की उत्सुकता और जिज्ञासा बढ़ी हुई है कि परिणाम, ये इतनी लंबी जो चुनाव आयोग की कवायद थी, लगभग 45 दिनों की कवायद थी, उसके बाद परिणाम क्या आने वाले हैं। तभी भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस खेमे में भी बड़ी उत्सुकता और जिज्ञासा है, लोग बड़ी उत्साह के साथ आज के दिन का परिणामों की, वास्तविक परिणामों की जानने के लिए बड़े उत्सुक है। और इसी पर ये तय होगा कि ये जो हमको संसद में क्या बहुमत मिलता है, भारतीय जनता पार्टी या तीसरी बार रिपीट करती हैं या इंडिया गठबंधन, या जो कि इस पूरे चुनाव प्रणाली में बराबरी का के साथ लड़ता हुआ दिखाई दिया, वो उसके कितने परिणाम सामने आते हैं। इसी तरीके से ये सब क्या कहते हैं, लोगों में जिज्ञासा है, लोग बड़ी संख्या में आज, जैसे छिंदवाड़ा की अगर मैं बात करूं तो छिंदवाड़ा के अंदर भी लोग बड़ी संख्या में मतगणना स्थल पर पहुंच गए हैं, बड़े लोगों में बड़ा उत्साह है। जैसा कि मनीष जी ने बताया कि बड़ी तेज गर्मी के साथ साथ राजनीतिक पारा भी लगभग हम देखते रहे कि 45 दिनों के अंदर बरकरार रहा, तरह तरह की घटनाएं और खबरों से भी हम लोग वाकिफ होते रहे, देश की आवाम भी वाकिफ होती रही। अब बात है परिणामों की, तो परिणामों के लेकर बड़ी जिज्ञासा है लोगों की कि क्या है। खासकर अगर मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बड़ी, जैसा कि आपने अपने स्टार्टिंग के उद्बोधन में कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर लोगों में बड़ी जिज्ञासा है कि लगभग यहाँ पर 29 सीटों में से लगभग 27 सीट पर चुनाव परिणाम आ जाएंगे। दो सीटें छतरपुर की और इंदौर की, कुल अगर अपवाद छोड़ दिया जाए तो लगभग 29 सीटों के ऊपर आज मतगणना है और लोगों की सभी की निगाहें टिकी हुई है। मैं आप इंडिया न्यूज के दर्शकों को यह भी बता दूं कि ये 27 सीटों में से आज हमको लगभग 9 जो सांसद हम मिलेंगे वो पहली बार चुनकर लोकसभा के अंदर जाएंगे, जिसमें भोपाल है, होशंगाबाद है, जबलपुर है, सीधी, बालाघाट, सागर, दमोह, ग्वालियर और मुरैना के नए सांसद हमको इस लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनकर जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। देखिए, 9 सांसद ऐसे होंगे जो पहली बार लोकसभा चुनकर जाएंगे, लेकिन देखना होगा कि जनता का जनादेश उनको लेकर क्या कहता है, किस पार्टी के फेवर में जनता ने जो है वोटिंग की है, क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है और जब नतीजे सामने आएंगे, जब रुझान सामने आने शुरू होंगे, तब एक अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि किस पार्टी के हाथ इस बार जीत लगती है और किसके हाथ इस बार हार लगती है। चलिए एक बार सचिंद्र का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ सीधी से संवाददाता जुड़े हुए हैं। सचिंद्र, क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास? सचिंद्र, आवाज नहीं पहुंच पा रही आपकी, अनम्यूट कीजिए। चलिए सचिंद्र, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, मैं फिर से आपका रुख करूंगी। मनीष जी के पास चलती हूँ। मनीष जी, आज क्योंकि देखिए मतगणना का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 45 दिन की जो जद्दोजहद हुई, जिस तरह से वोटिंग हुई, लोगों ने जाकर मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, आज फाइनली उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। और क्योंकि देखिए उत्साह भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि पिछली बार का आम चुनाव अगर देखा जाए और इस बार का आम चुनाव देखा जाए तो किस तरह से देखा जा सकता है? क्या पहले लोगों में ज्यादा उत्सुकता थी या फिर इस बार लोगों में ज्यादा उत्सुकता थी वोटिंग प्रतिशत को देखकर, आप क्या कहते हैं? देखिए, वोटिंग प्रतिशत की अभी बात की जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव के हिसाब से इस बार जो है बढ़ा है छत्तीसगढ़ में, और उसके साथ साथ ये भी बात करें कि लोगों के उत्साह को लेकर के जो बात की, लेकिन इस बार हमको तो सुनाई दे रही है उधर की, अब जा रही, हाँ जोड़िए ना, अब जा रही है। जी मनीष जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों के पहले जो वोटिंग चालू हुई थी उस दरमियान वोटिंग का फ्लो अच्छा था, लेकिन दोपहर के समय थोड़ा सा कम हुआ था और शाम के समय फिर जो है वो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा था। तो अंततः अर्थात जो हुआ था वो ओवरऑल हुआ था, वोटिंग का परसेंटेज निश्चित रूप से बढ़ा है। तो नए मतदाता जो थे जिनको पहली बार मतदान करना था उनके अंदर बड़ा उत्साह देखने को मिला था, इसके साथ साथ महिलाओं में भी बड़ा उत्साह देखने को मिला था। और महिलाओं के उत्साह की यदि हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि छत्तीसगढ़ से ही
पूरा ट्रेंड इस तरीके से सेट हुआ है। जो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जो महतारी बंधन योजना लेकर के आई थी उसी तर्ज पर महिलाओं को बड़ी योजना लेकर के आई है। महिलाओं को 1,00,000 रुपए साल का देने की उसने घोषणा करी, तो उसकी घोषणाओं के साथ साथ कितना असर उसके साथ साथ उन्होंने फॉर्म भी भरवाए उस योजना के, और फॉर्म जो भरवाए उसको देख करके जो लग रहा था उस आपसे भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से जीत मिली उसको देखते हुए कांग्रेस ने भी उस योजना का यहाँ पर फायदा लेने का प्रयास किया। तो महिलाओं को आकर्षित करने का प्रयास भी उस चुनाव के दरमियान बड़ी संख्या में देखा गया। और ओवरऑल बात की करें तो महिलाएं जो है लगभग 50% महिलाओं की संख्या होती है वोटिंग में, तो उन 50% महिलाओं को सीधे तौर पर आकर्षित करके उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास किया गया। और महिलाओं ने अच्छी संख्या में वोट भी यहाँ पर किया है। उन्होंने किसको वोट किया है और क्या होगा ये कुछ जैसे जैसे वोटिंग आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हमको पता चलते जाएगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यदि बात करें तो उत्साह निश्चित रूप से लोगों के अंदर में था और लोगों ने बड़े उससे काम किया है। और इसका परिणाम जो है लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि लगातार देखिए इतना लंबा चुनाव का पीरियड निकला और चुनाव पूरा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इसके लिए भी मैं चुनाव आयोग को भी धन्यवाद दूंगा कि बहुत अच्छा उन्होंने प्रयास किया और जो पूरा चुनाव था उसको पूरा शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो संपन्न कराया। बिल्कुल मनीष जी, क्योंकि इस बार चुनाव में गर्मी जो है बहुत बड़ी चुनौती थी और गर्मी की वजह से ही कहीं ना कहीं ये अनुमान भी लगाया जा रहा था कि वोटिंग प्रतिशत कम हो सकता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में इतनी उत्सुकता थी कि गर्मी हो या फिर कोई भी परेशानी हो, देखा गया जो तस्वीरें सामने आई उनमें भी देखा गया कि लोगों ने सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना जरूरी समझा, मतदान केंद्र पर वो गए और वहां पर उन्होंने वोट डाला और उन्हीं का नतीजा आज सामने आएगा। चलिए एक बार फिर से सचिंद्र का रुख कर लेते हैं, सीधी से संवाददाता मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सचिंद्र, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास में? देखिए अभी लोकसभा 6 सीधी की बात कर लें तो लोकसभा 6 सीधी की मतगणना का काम हमारे सामने जो हाल दिखाई दे रहा है, संजय गांधी कॉलेज पुराना ग्राउंड है, पुराना कॉलेज है, यहाँ पे मतगणना का कार्य चल रहा है। तो जो अभी डाक मतपत्र सामने आए हैं तो अगर उधर चूंकि लोकसभा क्षेत्र का सीधी का स्वरूप बड़ा है, सिंगरौली जिला भी शामिल है और शहडोल का एक व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है, तो ये 8 विधानसभाओं वाला क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र सीधी है। तो जो पूरा समीकरण सीधी सिंगरौली और शहडोल के व्यवहारी का जो समीकरण अभी सामने आया है, जो डाक मतपत्र सामने आए हैं और डाक मतपत्र के सामने से जो अभी रुझान सामने आए हैं, तो बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर राजेश मिश्रा आगे बताए जा रहे हैं, अभी वो आगे चल रहे हैं। हम बात कर लेते हैं रीवा की, तो रीवा में जनार्दन मिश्रा भी अभी आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि रीवा का जो परसेंटेज वोट रहा है, जो वोटिंग हुई है, वो कहीं ना कहीं चिंतनीय रही है, परसेंटेज वोट कम हुआ है। तो वहां पे नीलम मिश्रा और जनार्दन मिश्रा के बीच में रीवा में संघर्ष दिखाई देता, अभी फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे तो संघर्ष दिखाई दे रहा है रीवा में। हम सतना की बात कर लें तो सतना में गणेश सिंह बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट सिद्धार्थ कुशवाहा, दूसरा तीसरा जो नारायण त्रिपाठी बीएसपी से हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो डाक मतपत्र सामने अभी आए हैं फिलहाल, तो ये कहीं ना कहीं यही मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। हम इधर दक्षिणी छोर की बात कर लेते हैं, जो बिंद रीजन का ये अंतिम छोर का जो लोकसभा क्षेत्र शहडोल है, जिसकी मतगणना की पूरी काउंटिंग की तैयारी अनूपपुर से हो रही है, भारत निर्वाचन आयोग ने आरओ अनूपपुर में बैठाया है, तो वहां पे अभी हिमांद्री सिंह का, तो वहां पे बीजेपी की कैंडिडेट है शहडोल संसदीय क्षेत्र से, हिमांद्री सिंह अभी आगे बताई जा रही हैं। एन प्रकार हम बिंद रीजन की चारों सीटों की बात करेंगे तो चारों सीटों में अभी कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। जी चलिए ठीक है, सचिंद्र आप बने रहिएगा, नजर बना के रखिएगा इस पर। राकेश जी देखिए, जो रुझान सामने आ रहे हैं फिलहाल, जो अलग अलग जगहों से रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें अभी तक बीजेपी को बढ़त मिल रही है, क्योंकि देखिए बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, वो 400 पार का नारा अब पूरा होता है या नहीं नतीजा आने के बाद सामने आएगा। लेकिन जहां बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, वहीं कांग्रेस की ओर से भी पूरा पूरा दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक जो रुझान सामने आए हैं कांग्रेस आगे नहीं दिख रही है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए उसमें भी कांग्रेस आगे नहीं दिखी, लेकिन फिर भी कांग्रेस की ओर से दावा लगातार यही किया जा रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन जो है वो जीत हासिल करेगी और सत्ता से एनडीए का सफाया हो जाएगा और इंडिया गठबंधन सत्ता में काबिज हो जाएगी। देखिए चुनाव, सबसे पहले तो हम ये देखना होगा कि चुनाव मैदान में इस बार अगर जैसा कि क्या कहते बीते 10 वर्षों से
मध्य प्रदेश के अंदर 20 वर्षों से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह रही है। कांग्रेस का एक तरीके से बड़ा एक वैक्यूम पैदा हो गया, ठीक है। अगर राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर देखें तो केंद्र में 10 वर्षों से मोदी सरकार काबिज है और अपने जनहितकारी योजनाओं के चलते बड़ा लोकप्रिय है। दूसरा, एक मोदी की एक अपनी एक आभा मंडल है, जिस आभा मंडल के अंदर आज अगर एक वास्तविकता के साथ और सही मूल्यांकन अगर हम लोग बैठ के, अगर राजनीतिक लोग बैठते हैं और पत्रकार लोग बैठते हैं, तो उस राजनीतिक आभा मंडल के अंदर कहीं बीजेपी भी एक तरीके से समाप्त है। तो भारतीय मोदी जी के एक अपनी एक फैन फॉलोअर्स है, एक बड़ी एक लोकप्रियता है, लोकप्रियता है, उसके चलते लोगों में बड़ा एक खासकर युवाओं में मोदी को लेकर बड़ा क्या कहते क्रेज है उनका। हर को बार आपने देखा कि जो क्या कहते हैं उनकी जो भी होती थी, हम लोग ग्राउंड रिपोर्टरों से हमको जानकारियां मिलती थी कि हर लोगों में इस चुनाव के अंदर वैसे तो कोई किसी प्रकार का मुद्दा मुझको क्या कहते समझ में नहीं आया, मगर हर एक सारे चरणों के अंदर जैसे जैसे चुनाव आगे आगे बढ़ता गया मुद्दे भी लगभग लगभग बदलते गए। मगर हम अगर एक मुद्दे के आगे, हम अगर किसी महत्वपूर्ण अगर कोई का अगर कोई बात रही तो वो जनमानस के अंदर भारतीय लोग लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है, और जनता के अंदर एक ये बात देखने को हमको मिली कि चलिए ठीक है भाई, महंगाई का भी मामले में लोगों में प्रति क्या कहते थोड़ा सा गुस्सा था, बेरोजगारी को लेकर भी गुस्सा था, मगर अंतोदगत्वा ये होते थे कि भाई ये सब कुछ तो है ठीक है, मगर वो जाएगा वोट हमारा मोदी जी को लेकर। तो लेकिन राकेश जी क्या कह सकते हैं कि लोगों का वोट क्या मोदी के चेहरे पर गया? क्या बीजेपी ने जो कामकाज किया उसको देखा नहीं गया? सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में थे, उन्होंने चुनाव प्रचार किया, उन्होंने रैलियां की, लोगों से संवाद किया, क्या उनके चेहरे पर लोगों ने वोट दे दिया? देखिए, अगर इसका वास्तविक मूल्यांकन अगर हमको अगर हम करते हैं तो मोदी जी का चेहरा, मोदी फैक्टर पूरे देश के अंदर फिर इस बार क्या कहते हैं कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता इतनी बड़ी हो गई है, अब ये देख लीजिए आपकी पार्टी के अंदर, उनके खुद पार्टी के अंदर कोई भी जब मैं अगर मैनिफेस्टो अगर निकाला जाता है, हम अगर लगातार हम क्या कहते 34 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, और तो हम ये देखा है कि हर कोई इलेक्शन के अंदर होता है तो वो पार्टी का मैनिफेस्टो होता है कि वो आगामी 5 साल के अंदर उनका विजन होता है कि हम आगामी 5 सालों के अंदर हम क्या क्या काम करेंगे, लोगों को राहत और रियायतें देने का काम करेंगे, घोषणाएं करेंगे। मगर इस बार क्या इलेक्शन में जो भारतीय जनता नहीं था उसको भी नाम दिया गया था कि मोदी की गारंटी, तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सामने मोदी के फेस को लेकर ही चुनाव मैदान के अंदर उतरी। और आज हम आपको ये देखने को मिल रहा है, हमको सुनने में आ रहा है, ग्राउंड से रिपोर्टें आने की, जैसा ही बताया कि आगामी प्राथमिक रुझान जो है मोदी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। सारे एग्जिट पोल लगभग 17 से 18 एग्जिट पोल्स हुए हैं पूरे देश के अंदर, उन्होंने भी सभी एग्जिट पोलों का इशारा एक ही तरफ था, एक ही तरफ। और खास बात ये भी देखने को मिली हमको पूरे कि सारे एजेंसियों ने जो उन्होंने क्या कहते एग्जिट पोल किया, सारे साइकोलॉजिस्ट वो भी एक तरीके से एक मत थे कि एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आ रही है। मोदी जी ने भी जिस तरीके से का एक नारा जो दिया था कि इस बार 400 बार, सारा मीडिया सारा विपक्ष भी उस नारे के उस उनके कथन के ऊपर पीछे भागता हुआ नजर आया, और उसी पर पूरा विमर्श लगभग डेढ़ महीने का जो देखिएगा टेलीविजन चैनलों के ऊपर या बड़े बड़े। ठीक है प्रजापति जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। तो बड़ी खबर